सुंदर शयनायते राज राजायते रिक्तो राघवेंद्रम तम आश्रये। खबर बिहार से है जहां बिहार के गया जिले में हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर विनोद कुमार एवं मुख्य प्रवक्ता के रूप में श्री रामाचार्य मौजूद थे। बैठक में विचार विमर्श करते हुए कहा गया कि आज के समय में समाज से हमारी सभ्यता संस्कृति समाप्त होती जा रही है और युवा पीढ़ी पाश्चात्य देशों की नकल कर रहा है। हमें इन कुरीतियों को मिटाना होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हिंदू जागरण मंच के विजय कुमार, प्रशांत संतोष पाठक, महामंत्री संजय बरनवाल, जिला मंत्री नवीन वर्मा समेत अनेकों कार्यकर्ता मौजूद थे। जो मुझे कल परसों मेरे घर पर आए मिले हमसे और उन्होंने मुझे आग्रह किया कि मैं इस सभा में आऊं और आप लोगों से मुखातिब होकर के दो बातें कर सकूं, क्योंकि मैं भी दिल में एक मैं भी एक हिंदू हूँ और इधर महसूस करने लगा हूँ। हिंदू तो मैं जानते ही हूँ, लेकिन इधर आगे विगत कुछ वर्षों में महसूस करने लगा हूँ कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू के प्रति जो अपना धर्म अपना जो कर्तव्य है उसको निभाने का समय मेरा आ गया है। आज हमारा हिंदू धर्म की संख्या काफ़ी धीरे धीरे कम हो रही है और हम पिछड़ रहे हैं, हम हर चीज़ में पिछड़ रहे हैं। यहाँ बहुसंख्यक होते हुए भी मैं लगता है कि हम लोग के साथ जो आज़ादी के बाद जो अभी विगत वर्षों तक हुआ है वो हम लोग के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। ये नई सरकार आई है और हमारे जब से हमारे मोदी जी आए हैं तो हमें लग रहा है कि अब हमारे प्रति भेदभाव नहीं होगा और हमारी बात भी हम कह सकेंगे, अपनी बात को हम जोर दे करके यहाँ पर बता सकेंगे। और मैं महसूस करता हूँ कि हमारा ये हिंदू धर्म के बारे में बताऊँ कि हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म जीने की शैली है जिसमें आपको अपने जो महसूस करते हैं आपका जो अपना विचार है उसके और दृष्टिकोण जो बनाते हैं उस दृष्टिकोण के आधार पर आपको एक जीवन जीने की आज़ादी है। आप अपने मन से जीते हैं। हिंदू धर्म किसी पर कुछ तोड़ता नहीं, किसी पर कुछ लाता नहीं, ये नहीं कहता कि आप 5 बार नमाज पढ़ो, 5 बार पूजा करो, ऐसा कुछ भी अपनी स्वेच्छा से जो आप करते हैं और जिससे कि आपको खुशी मिलती है, अपने परिवार को खुशी मिलती है और समाज को भी आप खुशी दे पाते हैं, समाज को भी अपना योगदान दे पाते हैं, समाज को भी एक आप नेतृत्व दे पाते हैं और दलितों के लिए गरीबों के लिए कुछ करने की आपको सोच आती है तो स्वेच्छा से जो भी करते हैं हिंदू धर्म उसी बात को आपको उसी के लिए आपको प्रेरित करता है, उसी आपको भावना को जगाता है।